थकान, कमजोरी, खून की कमी, कैल्शियम की कमी, जोड़ों में दर्द, कब्ज, चश्मा हटाने और इम्यूनिटी को बढ़ाने का घरेलू उपाय। दोस्तों, आज का वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो है जिनकी फैमिली में किसी को भी थकान, कमजोरी, एनर्जी की कमी, खून की कमी, कैल्शियम की कमी, जोड़ों में दर्द, हड्डियों से कट-कट की आवाज आना, कब्ज, सुबह खुलकर पेट साफ ना होना, यौन शक्ति में कमी, आंखों की रोशनी कम होना, चश्मा लगा होना, जल्दी जल्दी बार बार बीमार पड़ना, आंखों के नीचे गड्ढे होना, इम्यूनिटी कमजोर है, इन सब बीमारियों के लिए आयुर्वेद में एक गोल्डन चीज बताई गई है। वो चीज है ये मीठी मीठी किशमिश, जिसे आप खीर में डालकर अक्सर खाते होंगे। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी बहुत सारी बीमारियों के लिए इसी किशमिश को दवा की तरह यूज किया जा सकता है, कैसे आप अपनी फैमिली को हेल्दी रख सकते हैं। दोस्तों, ये छोटी सी दिखने वाली किशमिश असल में एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का बहुत बड़ा खजाना है, जिसके कारण ये बॉडी से थकान, सुस्ती, आलस को दूर करके बॉडी को एनर्जी से भर देती है। साथ ही साथ इस किशमिश में विटामिन B1 से लेकर B6 तक सभी होते हैं। विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम और जिंक जैसे मिनरल होते हैं, जो इम्यूनिटी को बढ़ाने से लेकर सैकड़ों बीमारियों को दूर करने का काम करते हैं। तो आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखते हैं कि कौन कौन सी बीमारियों में किशमिश को कितनी मात्रा में लेना चाहिए, किस तरह से लेना चाहिए, ताकि आप घर बैठे ही अपना और अपने परिवार का बहुत सारी बीमारियों का इलाज कर सके। जिन लोगों की बॉडी में खून की कमी है, ताकत की कमी है, कमजोरी रहती है, हमेशा थकान बनी रहती है, आइए देखते हैं कि किशमिश को किस तरह से किस काम में लेना है इन सभी बीमारियों को जड़ से खत्म करने के लिए। इसके लिए आपको एक गिलास दूध लेना है। अगर गाय का दूध हो तो सबसे बेस्ट है, अगर गाय का दूध ना मिले तो आप भैंस का दूध ले सकते हैं। यह एक गिलास दूध आपने एक पतीले में डाल देना है। फिर इस दूध में आपने 10 किशमिश डाल देनी है। फिर धीमी आंच पर आपने दूध को उबालना है। करीब 1/4 भाग दूध का भाप बनकर उड़ जाएगा, 3/4 भाग दूध का रह जाएगा। तब आप गैस को बंद कर दीजिए। फिर आपने इस दूध में से किशमिश को निकाल लेना है और थोड़ा ठंडा करके खा लीजिए। किशमिश को खाकर ये उबला हुआ दूध भी ऊपर से पी लीजिए। रात को सोते टाइम ये नुस्खा काम में लेने से शरीर में ताकत आती है, एनर्जी बनी रहती है, चुस्ती फुर्ती बनी रहती है, खून की कमी दूर होती है, हमेशा थकान रहना बंद हो जाती है, लाइफ ताजगी से भर जाएगी। ये नुस्खा आप कम से कम 1 महीने तक रोजाना यूज करें। इसके बाद आप जब तक चाहे तब तक इस नुस्खे का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों को पेट की कोई भी बीमारी रहती है, कब्ज की समस्या रहती है, पेट खुलकर साफ नहीं होता, खाना ठीक से पचता नहीं है, उनके लिए किशमिश बहुत ही अच्छी दवा की तरह काम करती है। आइए देखते हैं ऐसे लोगों को किशमिश कैसे यूज करनी है। इसके लिए आप क्या कीजिए, सुबह 1 गिलास पानी में 10 किशमिश डाल दीजिए। साथ ही इस पानी में 2 चम्मच सौंफ डाल दीजिए। अब आप इन्हें 7 से 8 घंटे पानी में भिगोकर रख दीजिए। फिर रात को सोते टाइम भिगी हुई किशमिश और सौंफ पानी में से निकाल लीजिए। इनको मिक्सी में डालिए और जिस पानी में इन्हें भिगोया था उसी पानी के साथ इन्हें मिक्स करके एक स्मूदी, एक पेस्ट तैयार कर लीजिए। फिर इसके अंदर आप स्वादानुसार काला नमक मिक्स कर लीजिए। अब ये जो स्मूदी तैयार होगी आप इसे खा लीजिए। यह आपकी एक बार की डोज है। दोस्तों, ये सौंफ और किशमिश जिस तरह से भिगोया था ऐसा आपने 7 से 8 दिन रेगुलर करना है। इस नुस्खे का इस्तेमाल करने से कब्ज की समस्या नहीं रहेगी, पाचन तंत्र दुरुस्त हो जाएगा, सुबह पेट खुलकर साफ होगा, पेट में भारीपन महसूस नहीं होगा। जिन लोगों की आंखों की रोशनी कमजोर है, चश्मा लगा हुआ है, आंखों और सिर में भारीपन रहता है, ज्यादा देर तक कोई भी पढ़ने या लिखने वाला काम करने पर आंखों से पानी निकलने लगता है, आंखें दुखने लगती हैं, आंखें थक जाती हैं, उन लोगों ने किशमिश कैसे इस्तेमाल करनी है ताकि उनकी ये सारी समस्याएं जड़ से खत्म हो जाए। इसके लिए आपने क्या करना है, आपने 50 ग्राम बादाम लेकर मिक्सी में डालकर पाउडर बना लेना है। इस तरह आपने 50 ग्राम मोटी सौंफ लेनी है, जो आप सब्जियों में यूज करते हैं, इसको भी आपने कूट करके बारीक पाउडर बना लीजिए। अब आप बादाम से आधी मात्रा में यानी कि करीबन 25 ग्राम धागे वाली मिश्री लीजिए। इस मिश्री को भी आपने इसी तरह से कूट कर पाउडर बना लेना है। अब आप ये बादाम का पाउडर, सौंफ का पाउडर और मिश्री के पाउडर को अच्छे से मिक्स कर लीजिए और एक साफ सुथरे डिब्बे में बंद करके रख लीजिए। यह पाउडर आपका 1 महीने तक खराब नहीं होगा। अब आपने क्या करना है कि रात को सोते टाइम एक खरल में 10 किशमिश लीजिए, उसे थोड़े से दूध के साथ
मिक्स करके पेस्ट बना लीजिए। अब आपने इनका इस्तेमाल कैसे करना है ये भी जान लीजिए। आपने लेना है 1 कप दूध, उसके अंदर ये पेस्ट बनी हुई किशमिश डाल दीजिए। साथ में डालना है वो बादाम, सौंफ और मिश्री वाला पाउडर। इन सबको गर्म दूध के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेना है और रात को इसे पीकर सो जाना है। रोजाना ये नुस्खा यूज करने से चश्मे का नंबर कम हो जाता है, आंखों में थकान रहना, सिर में भारीपन रहना वे दूर हो जाता है, आंखों से पानी आने की समस्या भी दूर हो जाती है, बुढ़ापे में भी आंखों की रोशनी कमजोर नहीं होगी और मोतियाबिंद जैसी समस्या भी नहीं होगी। इसे आप लाइफ लॉन्ग यूज कर सकते हैं। थोड़े दिन लेने के बाद कुछ दिन इसे बंद कर सकते हैं, फिर आप इसे दोबारा चालू कर सकते हैं। इसमें कोई परेशानी नहीं है। आंखों के लिए इससे अच्छा टॉनिक कोई नहीं है। जिन लोगों के शरीर में कैल्शियम की कमी है, हड्डियां कमजोर है, जोड़ों में दर्द रहता है, उठने बैठने में तकलीफ होती है, हड्डियों से चटकने की आवाज आती है, हड्डियों से कट-कट की आवाज आती है, आइए देखते हैं उन लोगों ने क्या करना है। कैल्शियम की कमी, जोड़ों में दर्द वाले लोगों को 1 प्याले में 1 कप दूध लेना है। फिर उसके अंदर अंजीर के 2 गोले यानी कि 2 पीस किराना की शॉप पर बहुत आसानी से आपको मिल जाएंगे, काट कर इस दूध के अंदर डाल दीजिए। साथ ही इसके अंदर 8 से 10 किशमिश भी डाल दीजिए। अब ये अंजीर और किशमिश इस दूध के अंदर आपने 7 से 8 घंटे के लिए भिगोकर छोड़ देनी है। फिर रात को सोते टाइम ये किशमिश और अंजीर खाकर ऊपर से 1 कप जो दूध था वो भी आप इसे पी लीजिए। इस तरह से इस नुस्खे का इस्तेमाल आपने 1 महीने तक करना है। ये करने से कैल्शियम की कमी पूरी हो जाएगी, हड्डियां मजबूत हो जाएंगी, जोड़ों का दर्द ठीक हो जाएगा, चलने फिरने में हड्डियों से आने वाली कटकट की आवाज बंद हो जाएगी, शरीर में खून की कमी पूरी हो जाएगी, खून की कमी नहीं रहेगी, थकान दूर हो जाएगी, कमजोरी दूर हो जाएगी, चुस्ती फुर्ती आ जाएगी। जिनको भी खाया पिया लगता नहीं है, बार बार बीमार पड़ जाते हैं, या फिर साल भर में जब जब मौसम बदलता है तब तब वो बीमार पड़ जाते हैं, आंखों के नीचे गड्ढे पड़ जाते हैं, एनर्जी नहीं रहती, बेजान सा शरीर महसूस होता है, सुस्ती, आलस, थकान बहुत ज्यादा रहती है, किसी भी काम को जल्दी करने में थकान महसूस होती है, या फिर यौन शक्ति में कमी आ चुकी है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, ऐसे लोगों को क्या करना है, इस प्रॉब्लम को कैसे हल करना है। ऐसे लोग सबसे पहले 1 मुट्ठी काले चने के साथ 20 दाने किशमिश के लेकर रात को पानी में डालकर भिगो दीजिए। फिर आप क्या कीजिए, सुबह उठकर सबसे पहले कम से कम 0.5 लीटर गुनगुना पानी पीजिए, फिर उसके बाद फ्रेश हो जाइए। अब 0.5 घंटे तक आपने कुछ भी खाना पीना नहीं है। 0.5 घंटे के बाद जो आपने रात को काले चने और किशमिश भिगोई थी उसे चबा चबा कर बहुत अच्छे से पेस्ट बनाकर खा लीजिए। ऊपर से 1 कप गुनगुना दूध या गर्म दूध पी लीजिए। रोजाना सुबह 1 महीने तक आपने ऐसे ही नाश्ता करना है। आपके शरीर में घोड़े जैसी ताकत आ जाएगी, सभी तरह के यौन प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, सुस्ती आलस खत्म हो जाएगा, हमेशा शरीर में एनर्जी रहेगी और आप जल्दी जल्दी बीमार भी नहीं पड़ेंगे। दोस्तों, इस तरह से किशमिश का इस्तेमाल करके आप पूरी फैमिली को बहुत सारी बीमारियों से घर बैठे बचा सकते हैं और एकदम बढ़िया लाइफ जी सकते हैं। दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी यहीं तक थी। मैं उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी या आपको जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और अगर आपके कोई भी सवाल है तो जरूर पूछिए, आपकी हर एक सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, बाय।